विनिंग पंजाब का स्पैशल प्रोग्राम देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजिर हाँ पंजाब की राजनीति दियाँ कुछ वड्डियाँ ते अहम खबरां। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गलबात की जाएगी भगवंत मान की सरकार दे वलों जो जमीना छुड़ाउण की मुहिम सी उस ओह सवालों के घेरे दे विच आई है। वड्डे इल्जाम लगे ने इस मुहिम के उपर, आखिर किस वलों ये इल्जाम लगाए गए ने ते किस संदर्भ दे विच ये जमीना नूं छुड़ाउण की जो मुहिम उस उपर सवालों के घेरे च है, क्यों इल्जाम लगे ने, उस बारे विस्तार दे नाल गलबात करांगे। गलबात करांगे भगवंत सिंह मान की, जिन्हां दे वलों अपने ही एक मंत्री नूं मिलण तों इनकार कर दिता गया। किहड़े ओह मंत्री ने जिन्हां नूं मिलण तों इनकार किया गया ते की कारण इह ने कि वह अपने मंत्री नूं ही मिलण तों खफा नजर आए ने, मंत्री नूं मिलण तों इनकार किया, पूरा मामला की आ उस बारे गलबात करांगे। गलबात करांगे बिजली माफ़ी संबंधी पैसे दे प्रबंध नूं लैके विरोधियों वल्लों अक्सर आम आदमी पार्टी नूं घेरिया जांदा सी, लेकिन अज पैसे दे प्रबंध नूं लैके अरविंद केजरीवाल अते भगवंत सिंह मान दे वल्लों विरोधियों नूं जवाब दिता गया। की आ ओह जवाब, उस बारे विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। ते चर्चा करन दे लई मेरे नाल जुड़े होए ने प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा विर्क। सब तो पहला स्वागत करदे हां विर्क मैम, स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। जी शुक्रिया लखविंदर मान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैम शुरुआत करिए आपां पंचायती जमीना तो, क्योंकि जदों तो आम आदमी पार्टी सत्ता दे उपर काबज होई है उन्हां दे वल्लों पंचायती जमीना नूं छुड़ाउण दे लई वड्डे पद्धर ते मुहिम विढ़ी गई सी, जिस दे विच तकरीबन 9000 एकड़ नूं छुड़ाउण दा वादा किया गया, दावा भी किया गया ते नाल ही नाल, लेकिन ये मुहिम हुण सवालों के घेरे विच है। सवाल चुके ने कांग्रेस के सीनियर लीडर सुखपाल सिंह खहरा ने, वह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो मुहिम है सिर्फ और सिर्फ सियासी बदलाखोरी के तहत ही लग रही है, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाए ने उन्होंने एक संसद मैंबर के उपर कि संसद मैंबर वालों ही पंचायती जमीन हड़प्पी गई है, कि वह जमीन भी छड़ाई जाएगी। आखिर किहड़े वो संसद मैंबर ने ते की कारण जमीन हड़प्पण दे, की भगवंत सिंह मान की सरकार कार्रवाई करेगी, किवें देख रहे हो पूरे मामले? लखविंदर जी, ये जी पंचायती जमीने के मामले के संबंध में मैं गल करना चाहांगी जी, कि जिहड़ा अज मसला बहुत भख रहा और पिछले समय तो बड़े जोर शोर से खबर है। ये जेडे साडे पंचायत मंत्री बने आम आदमी पार्टी के श्री कुलदीप धालीवाल जेडे साडे अमृतसर दे ने, बड़ी सफिरदता दे नाल उन्होंने काम शुरू किया सी कि जिथे जिथे भी पंचायती जमीना अपने कब्जे च लईयां होईयां सी, लोगों ने जोरी कब्जे किए सी उन्होंने छुड़वाउण दी, और ये एक बड़ा अच्छा उन्हां दा काम सी और लगातार उहदे च अगे वधदे जा रहे सी, जिहदे उत्ते अज सुखपाल सिंह खहरा जिहड़े ऑपोजिशन लीडर ने कांग्रेस पार्टी वल्लों ने, और उन्होंने उहदे अगे क्वेश्चन मार्क ला दिता कि जिहड़े मान सरकार आ जां आम आदमी पार्टी की सरकार आ, उहदे संबंधित मंत्री कुलदीप धालीवाल जी आ, ये बहुत सारिया जमीना तो छुड़वा चुके हैं, पर हुण प्रश्न ये पैदा खड़ा किया उन्होंने कि लवली प्रोफेसनल यूनिवर्सिटी जी जलंधर स्थित हैगी आ, कि उहदे अंदर भी बहुत वड्डी जमीन जी कब्जे च हैगी आ, और दूसरी मसला उन्होंने ये है कि उन्हों का जोड़ा मालिक आ अशोक मित्तल और भगवंत मान सरकार ने अपॉइंट किया राज्यसभा मैंबर, सो वह राज्यसभा मैंबर ने परिवार के अंदर आँदी जमीन यह सरकार छुटाउंदी आ, या हुण एक सवाल ही खड़ा बन के रह जाएगा, क्योंकि जो भी जमीन छुड़वाई गई हुण तक ये कांग्रेस या अकाली लीडर या विरोधी लीडर के पंजे चो ही छुटाई गई, कि हुण अपने नाल हमायती लोगों दी जमीन भी छुड़वाउणगे या फिर केवल के पोलिटिकल ही एक स्टंट सी जिहदे च विरोधियों नूं डराउणा ही सी जां उहनां नूं ही खज्जल खुआर करना सी, ये उन्होंने बड़ा वड्डा सवाल खड़ा किया। असल में ये मसला सब तो पहला पंजाब दे विच जिहड़ा पंचायती जमीना का उठाया सी ना, शायद लोग भुल भी गए होणगे, आपां ताज़ा कराउंदे आ कि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह गल की सी जेल जाण तो पहला, उन्हें बहुत अर्ली यह गल की सी कि जे किते उदों प्रधान सी पार्टी दे के किते मैनूं मौका मिलिया तो मैं सारियां जमीनां छडवावांगा और वह एक वड्डा मालिया बन जाएगा पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए एसेट ने वो जमीना जिन्हां तों आपां खर्चे तो सरकार चला पावांगे वह मैं करांगा, और उसनों मैनूं लगता उस बयान नूं मुड़ के आम आदमी पार्टी ने हाईजैक करके उत्ते कार्रवाई की। चलो कार्रवाई जो भी, काम चंगा सी, मंशा भी चंगी सी,
और ये मंशा हुण अगे किवें दी चलदी आ। अज सुखपाल खहरा ने सवाल खड़ा किया जिहदे विच असीं भविख विच साडियां ते बाकी लोकां दीआं नज़रां जिहड़ियां ये आम आदमी पार्टी की सरकार ते रहणगीआं कि हुण आपणिआं दे पाले च बॉल आई आ ते उहनूं हुण किस तरह ये अगों हिट करदे आ जां एक तमाशा बण के रह जांदा। बिल्कुल मैम, तो दूसरे पास जिमें कि आप पंचायत मंत्री की गल करिए लगातार जफर भगवंत सिंह मान की गल करिए लगातार बयान देंदे रहिंदे ने भी जिन्हां कोल जमीन ने असीं उन्हां नूं बेनती कर रहे भी अपने आप छड्ड दे नहीं सरकार कार्रवाई करेगी। हुण सवाल यह है जी कि हुण तक अपने संसद नूं उन्हां दे वल्लों कोई लैटर जारी किया गया होगा कि उन्हां वल्लों कोई प्रतिक्रम आया, क्योंकि यह सिर्फ सुखपाल सिंह खहरा दे कहण ते ही आम लोगों नूं पता लग्या गा भी उत्थे भी जमीन बहुत दबी हुई है। हुण तक यह मसला क्योंकि पहला हंसरा हंस की गल करिए उन्होंने उपर भी इल्जाम लगे से उन्होंने बच्चों के वालों भी बच्चों की जमीन दब रखी हैगी। अक्सर पंचायत मंत्री लीडर अपोजिट लीडर आप कह सकते हैं कि टारगेट करते हैं, हुण तक उन्होंने वालों ये क्यों नहीं दसाया गया से भी उन्होंने संसद को भी जमीन है कि सचमुच जो इल्जाम ने सियासी बदलाखोरी के किसी हद तक सही भी ने? हाँ बिल्कुल सही है। देखो जी जमीन के उत्ते बहुत लंबी चौड़ी जमीन है लवली प्रोफेसनल यूनिवर्सिटी को और थोड़ा बहुत सारे मेरे बारे अंदाजा है इल्जाम की है ना सही, पर हूँ इन्हों सत्ता पड़दे जी ढक के रखिया तो इल्जाम फिर भी आ गया तो बहुत ही देर इन्हों ढकया नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ कार्रवाई तो सरकार को करनी पड़ेगी। मसला तो यही है कि सरकार कार्रवाई की करती है, ये पहला मंत्री या यूनिवर्सिटी ना रिलेटेड प्रोफेशनल लवली यूनिवर्सिटी ना रिलेटेड पार्टी के पहले हमायती आए हैं जो पता नहीं होर किन्ने हमायती भविख में निकलेंगे और जो पहले में ही छड़ देंगे तो ये मतलब एक उलझन च फस जाएगी पार्टी, देखना तो यही पड़ेगा कि कार्रवाई की करते हैं तो ये नहीं करेंगे तो नैचुरली ये है कि राजनीतिक जी भ्रष्टाचार का शिकार पे भी हो जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो इल्जाम एक पासे तो लगे ने गे मुश्किल आप कह सकते हैं सरकार दे बदन गया तो दूसरे पासे मंत्री ही इन्हां दे मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी दी। गल करिए पिछले दिन ही बड़ा बड़ा एक घटनाक्रम होया सी जिथे वीसी दे नाल सेहत मंत्री उलझते हुए नजर आए सी, वीसी नूं अस्तीफा तक देना पै गया सी। उस अस्तीफे दे उपर भगवंत सिंह मान भी बड़ा खफा होए सीगे अपने मंत्री दी इस हरकत दे उपर जां कहीए इस कार्यशैली दे उपर। उस तो बाद कल चेतन सिंह जौड़ा माजरा सेहत मंत्री पंजाब मुख्यमंत्री साहब नूं मिलण वास्ते पहुंचे सी ते उन्हां दा गुस्सा इस कदर सी कि उन्होंने मिलण तों इनकार तक कर दिता गया। किवें देख रहे हो भी जेकर इन्ना गुस्सा कि सेहत मंत्री दे उपर कोई कार्रवाई हो सकती है कि उन्हां दा जो अहुदा गा उहनूं भी बर्खास्त किया जा सकता, किवें देख रहे हो पूरे घटनाक्रम नूं? पिछले दिनी विवाद पक्क के आया सी लखविंदर जी वो ये सी के जेडे इन्हां दे हैगे आ सेहत मंत्री चेतन सिंह चौड़ा माजरा उन्होंने अचनचेती दौरा किया बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने वाइस चांसलर के नाल जिवें थोड़ा जिहा देखो उन्हां दी बेइज्जती भी की गंदे बैड ते सौण लई कहा ना लेटण लई कहा। सो ये जिहड़ा इस तरह की कार्रवाई करनी है माड़ी सी उवें दस्सिया जा सकता सी हटा के कोई डेमो देण दी एड्डी लोड़ नहीं होंदी, कहिंदे हुंदे ने कि मारे नालों झिड़के ही बथेरा होंदा वो पढ़िया लिखिया बंदा सी कोई समझ आ जाणी सी। दूजी वीडियो इन्हां दी वायरल हो गई कि जिहदे विच मंत्री चेचा वीसी नूं सद के बेइज्जत कर रहे हैं, तो उस वीडियो नूं भी वेख के भगवंत मान जिहड़े ने इस वेले मुख्यमंत्री पंजाब दे ने और पार्टी दी हाईकमान ने पंजाब दे विच उन्होंने मैं लगता इस गल का काफ़ी गुस्सा मनाया क्योंकि मैडिकल अमले फैले वालों बड़े सारे अस्तीफे आने शुरू हो गए और ये गल लोगों के भी चर्चा की सी और लोग इस गल को बुरा कह रहे थे क्योंकि पहला मसला नहीं सी जिहदे विच ये सरकार जिहड़ी है इहो जिहियां कार्रवाइयां कर रही है। सो इस संबंधी जो मंत्री ने मुख्यमंत्री को मिलने की मंशा जाहिर की कि उन्होंने इन्होंने टाइम नहीं दिता और खिंच के टाइम ना देने बारे में उन्होंने गल की। इतों ए लगता कि मुख्यमंत्री जेडे सेहत मंत्री नाराज है हम सवाल यह है कि जे मैडिकल अफसर ने या वीसी साहब ने जो राज बहादुर उन्होंने इस्तीफा दे दिता सी प्रवान होना या ना होना यह नहीं है कार्रवाई इमीडिएट करने की गल होंगी है कि ये अपने मंत्री को भी इस्तीफा मंगणगे या नहीं। मैंने लगता कि जिन दिन का मसला वा कोई ना कोई ताड़ना या इस्तीफा या बर्खास्ती वाले थोड़ा सरकार को तुर पैना चाहिए ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता ये उत्तर एक होर वीडियो वायरल हो जा रही मैं लगता पार्टी की शाख में यह जो नुकसान पहुँचा बन जाता।
मैम जो सूत्रों तो हूँ खबर पहुंची है उत्थे ये भी गल कही भी उन्होंने बर्खास्त तो नहीं शायद किया जा रहा मंत्रिमंडल चो लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंट जरूर बदलिया जा रहा कि जेकर उन्होंने डिपार्टमेंट बदलिया जाता जिमें हम IMA की आप गल करिए मेडिकल कौंसल की गल करिए एसोसीएशन की गल करिए क्योंकि उन्होंने वालों भी सख्त रवैया अपनाया गया थी सेहत मंत्री की इस कार्य के खिलाफ कि उन्होंने नाल गुस्सा शांत हो जाएगा जेकर उन्होंने डिपार्टमेंट बदलिया क्योंकि चर्चावान ये ने भी शायद उन्होंने डिपार्टमेंट तक चेंज कर दिया जाए तो दूसरे पास जिमें कल रवैया रहा गा भगवंत सिंह मान का अपने मंत्री के खिलाफ हो सकता है चर्चावान सही भी साबित हो जाए। देखो जी जी अहुदा बदलते हैं तो उसे मैं लगता कोई बड़ी कार्रवाई नहीं जी उन्होंने आदत हैगी काम करने की वैसे तो चंगी गल तौबा कर लैन जे जिन आदत पैदा नहीं आदत छेती छुटती नहीं है जे यही इस महकमे उन्होंने कुताई की है तो यही मतलब गरंटी हैगी कि अगले महकमे जाके नहीं करेंगे थोड़ी देर उन्होंने वेले करके बिठा चाहिए मेरे मेरे अनुसार कि उन्होंने समझ आए कि मैं एक गलती की है तो गांह कोई गलती नहीं करनी जी बिल्कुल बिल्कुल सो आप कह सकते भी वो चर्चावान ने शायद जिमें तुसी भी कहा भी दिखाने दे लई क्योंकि जिस तरीके ने हुण बरसाती सीजन हैगा इस समय दौरान आप कह सकते भी महामारी बड़ी जल्दी फैलती है ज बीमारियां बड़ी जल्दी फैलदिया ने गियां सो उत्ते दूसरे पास जिस तरीके दे नाल डिपार्टमेंट हैल्थ डिपार्टमेंट पिट ते खड़े आके VC साहब दे तो उत्ते लगता भी हुण सरकार नू कोई ना कोई वड्डा एक्शन लैना ही पैना अपने सेहत मंत्री के खिलाफ की एक्शन होएगा ये भी एक या दो दिन तक क्लीयर हो जाएगा। तो दूसरे पास गल करांगे उस गरंटी की जिहड़ी गरंटी की सब तो बड़ी गले की हड्डी बनी हुई सी आम आदमी पार्टी की तो विरोधी धिरां दे लई सब तो वड्डा मुद्दा सी मुद्दा यह सी कि जेकर बिजली फ्री की जाती है तो फ्री की गई बिजली का जो खर्चा गा उस दे लई पैसे का प्रबंध कित्थों होएगा इस प्रबंध संबंधी अज अरविंद केजरीवाल अते भगवंत सिंह मान दे वल्लों सांझा बयान आया तो उन्होंने यह गल कही है कि प्रबंध हो चुकिया आखिर मैम यह बयान किवें कह सकते आपां प्रबंध जेकर होया तो कित्थों प्रबंध होया कि आने वाले समय के प्रबंध काफ़ी होएगा इस मामले के इतने मैं दस देना चाहवागी क्योंकि मेरी अपना जो निजी आंसर हैगा वो ये आ निजी जवाब यह आ कि यह जी गल ही है पहले मुफ्त बिजली बिजली देने की मुफ्त दाल आटा देने की या किसी तरह की मुफ्त सेवा मुहैया कराने की पब्लिक न मैनू यह परसनली कभी भी पसंद नहीं आई यदा तो अपने पंजाब के लोगों को अपाहज करने वाली गल हैगी कि तुम उन्होंने फ्री चीज़ दे के भविख में उन्होंने काम करने को वाझी कर दी असं पिंड भी देखते हैं शहरों भी देखते हैं जिते जिते भी मुफ्त वाली स्कीम चली है ना उत्थे लोगों के हड्डा च पानी पा गई है काम करना नहीं दिखती उन्होंने हड्डा च पानी पा गई है सो चंगा होंगे जी नवी सरकार नवीं नीतियां तो नवे नवे आइडियाज लैके आई सी फ्री नालों सस्ती देंगी महंगाई घटाओ चीज़ा सस्तियाँ करो ज़्यादा इंपोर्टेंट आ ना कि फ्री वंड दो ये इंपोर्टेंट आ चलो फिर भी जे तुसी आपां इस गल दी चर्चा करनी आ कि जिहड़े आम आदमी पार्टी के कौमी प्रधान ने श्री अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने ये गल कही आ भगवंत मान जी उन्होंने सांझे तौर पर मुख्यमंत्री ते जिहड़े कौमी कन्वीनर ने दोनों ने कि लोग कहिंदे सी जां विरोधी धिरां कहिंदियां सी कि असीं बिजली मुफ्त दा ऐलान ते कर दित्ता पर ये जरा बोझ असी चलेंगे कि पैसा कितों आएगा तो कहते जो नीयत चंगी हो फिर हर नीयत चंगी को फल लगता सो असी पैसे का इंतजाम कर लिया है पैसे का इंतजाम वो कहते जेडे टैक्स चोरी करते पहली तिमाही च असी 15,000 करोड़ रुपए का जोड़ा मुनाफा सरकार है मतलब पंजाब ने करवाया टैक्स इकट्ठा कर नहीं मैं 15,000 करोड़ कह रहे भी रेवन्यू आता लेकिन इस बार असि 21,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जी भाई 15,000 करोड़ की जगह असि 21,000 करोड़ किया वा और 21,000 करोड़ तो भी आने वाले समय से सू होर वन दसा है सो ये बहुत पैसा हैगा कि पंजाब के लोगों को फ्री बिजली देने दे और उन्होंने ये भी किया वा कि जो नीयत चंगी हो चंगी नीति जी चंगे भविख में सिरज देंदी आ सो ये गल तो उन्होंने ठीक है कि पैसा आया तो पैसा आना तो चंगी गल आ पर मुफ्त सेवा देनी मैं तो ठीक नहीं लगता क्योंकि वो फिर कई तरह की प्रॉब्लम्स आ लोगों सस्तिया चीज़ा दो रुजगार दो काम के साधन मुहैया करवाओ ये इंपोर्टेंट आ किसी भी स्टेट के लिए ना कि उन्होंने फ्री दे के अपार्ट कर दो कि आने वाले समय चो काम करने जोगे ही ना रह जाए सो ये सानू सारिया राजनीतिक पार्टियां सोचना चाहिए और जो आम आदमी पार्टी नवे लैके आई आइडियाज़ तो उन्होंने भी
ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बिल्कुल मैं मतलब हूँ जे भी जिम्मे 6000 करोड़ की उन्होंने गल की है भी असी वध प्रॉफिट सानू होया सरकार खजाना भरना शुरू होया कि इन्हां गरंटियां दे विच चले आएगा लोगों को रुजगार कदों मिलेगा क्योंकि 36000 मुलाजमान की गल चल रही है तो दूसरे पास डिपार्टमेंट खाली हुए पे ने भर्तियां नहीं हो रही है कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार के खजाने खाली ने कि खजाना सिर्फ भरन की जगह अपने जो फैसिलिटीज देने की जगह लोगों को होर कि सिर्फ सिर्फ अपने गरंटियां वाल ध्यान देगी आम आदमी पार्टी सरकार ਉਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਤਕੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ बिल्कुल मैम हजे गरंटी एक लेडीज़ के लिए भी रहती है भी लेडीज़ को भी 1000-1000 रुपये देना यह मतलब जे कि होर पास्यो ये तो सिर्फ GST चो पैसा बचे इन्हों बाकी जिवें भू माफिया चो कह रहे थे एक्साइज के कह रहे थे कि वह फिर वह भी इस तरीके लेडीज़ के बल ही लगा दिता जाएगा पैसा फिर वो कि पंजाब के डिवेलपमेंट के वास्ते पैसा नहीं रखा जाएगा ਉਹੀ ਨਾ ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਡਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਰਾਜ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ बिल्कुल जी बिल्कुल मैम ये तो गल जरूर है भी पंजाबी जे सिर ते बिठाउंदे ने तो सिर तो उतारन च भी बड़ी देर नहीं लगाउंदे ये आपां रवायती पार्टियां दा हाशर देख चुके हां कि किस तरीके दे नाल वड्डी मजोरिटी नाल सरकार बनाउण वाली पार्टियां हुण हाशिए ते तक्के गईआं ने चाहे वह अकाली दल की गल होवे जां फिर कांग्रेस की गल होवे सो मैम तुसीं गलबात करन दे लई साडे नाल जुड़े उहदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद शुक्रिया लखविंदर सो ये सन मैडम इंदिरा विरक जी जिन्हां दे वल्लों अज दे इस प्रोग्राम दे विच विस्तार दे नाल चर्चा की गई तुहानूं इह चर्चा किवें लगी सानूं कमेंट करके जरूर दस्सिओ अगले प्रोग्राम दे विच फिर तो साडी होएगी मुलाकात उह तक दिओ इजाजत धन्नवाद।